अस्सलाम वालेकुम, मैं अज़हर नक़वी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाली है, तो बने रहें वीडियो की एंड तक। शराब कोई शक ना हो इसलिए बाल निकल जाएगा। पूछ ले, लावा पिन कंपनी है क्या? पकड़ेगा सही पिन कंपनी में काम इधर देखेगा बेटा भग जाएगा शेर के अंदर। क्या बोल रहे हैं? पत्तनपुर आगो पत्तनपुर आगो वाले मोहम्मद मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद तो आए बेटा ये लगा सब दाग छोड़ रहा है, सफेद शर्ट हमारी तक छोड़ गया। इसे गुड्डू भाई लगा दी जुमे में, पता नहीं कौन कितना सब पूरा छूटता एकदम, जहाँ जा रहा है पूरा धुप्पा पड़ गया। गुड्डू भाई समझ रहे हैं इनके नीचे वाला मोहम्मद वाल मोहम्मद अल्लाह खालू जान को सलामत रख के। और कोई है मामू जान? मामू जान, अरे मामू जान आइए। मामू जान कहीं लुटा गए हैं? कहाँ गए जान? कहाँ गए भाभी जान? मामू जान, भाभी जान, मामू 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 परेशान है कसम मामू जान। एक बार तेज से मामू जान, हसीम मामू जान तेज से, मामू जान, मामू जान, मामू जान, तेज से तेज से तेज से मामू जान, मामू जान आइए, मामू जान लेके जाइए। चलो हो गया भाई, हम निकल मोहम्मद वाले मोहम्मद اللهم صل على محمد وآل बैठे थे
पीछे गाड़ी में खासकर मुन्ना भाई के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये भाई की मोहब्बत है। और मुन्ना भाई हमारे बने रहेंगे आगे की शादी तक, यानी पत्तनपुर तक बने रहेंगे, बीच में जरूर आएंगे। और मुन्ना भाई की बात सुनते रहेगा, बहुत अच्छा बोलते हैं मुन्ना भाई। शुक्रिया। आप बैठे हैं बस में, ये देखिए शिदर साहब बैठे हुए हैं, और ये बैठे हैं समन का, वो बैठे हैं फरमान का, ये इलाहाबाद से। अजय साहब कहाँ जा रहे हैं? आजमगढ़ जा रहे थे। आजमगढ़ जा रहे, किसकी शादी? आतिश कपूर की, मेरे दोस्त शबाब नकवी। शबाब नकवी, वाह वाह वाह, क्या बात है। शबाब नकवी की शादी में जा रही है, देखिए बस में है, और एक बस आगे आगे चल रही है, देखिए अभी इस बस में भी हम जाएंगे। और हम सब कुछ कहना चाहेंगे यार, काफ़ी क्या खेल रहे हैं यार, अच्छा फोटो देख रहे हैं। नहीं भाई, बढ़िया, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। फरमान साहब को मज़ा आ रहा है, पीछे देखिए इतने लोग बैठे हुए हैं। अब हम इसके बाद दूसरी बस में जाएंगे, और फिर शहजर साहब मिलते हैं फिर आगे। ये देखिए बैठे हैं, ये मुख्तार हसन बैठे हुए हैं बस में, बड़ी आराम से बैठे। शबाब की शादी में जा रहे हैं, ये देखिए ये बैठे हुए हैं, ये देखिए सब मज़े ले रहे हैं। दो भाई लोग बैठे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? बारात में जा रहे हैं भैया, आजमगढ़ भाई की बारात। आजमगढ़ जा रहे हैं भाई की बारात में, तो कुछ कहना है आपको वहाँ पहुँच के? या बस से मज़ा आ रहा है कि नहीं पहले ये बताइए। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है जी। बताइए कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं, हमको कुछ, अभी हम देख रहे हैं कुछ, अभी ये बाहर देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं बाहर। बताइए साहब आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम सरफराज है। सरफराज है, ये रहते हैं कहरा में, मतलब इलाहाबाद में रहते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आपका चैनल हमने भी देखा है, माशाल्लाह, जो है आपने दूसरे का चैनल जी, मैंने देखा है, फूलपुर स्टेशन के बारे में भी जो आपने डाला है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया जो है, जितना मतलब अच्छा लगा मुझे। अरे देखो तो, और मैं ये कहूँगा कि जो कहूँगा कि इनको मतलब इनके वीडियोज को देखते रहें, और इनको जो है फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें, और जो पसंद है अपने फ्रेंड्स को शेयर और जो है करते रहें। बहुत जो है भाई, को भाई कहाँ जा रहे हो भाई? हम लोग जा रहे हैं पत्तनपुर, पत्तनपुर जा रहे हैं। मैं अपने भाई की पत्तनपुर जा रहा हूँ, जो कि निकल के आजमगढ़ एरिया में है, जो पत्तनपुर इलाहाबाद से निकला हूँ, वही में खैरा गांव से। और हमारे साथ हमारे भाई सोनू भाई और हजार भाई है। गए थे यार, मिली नहीं यार, इसीलिए गया था बोलने चाहिए। आज हमारे कजिन की शादी है, हम लोग बारात में जा रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं बारात में, और इंशाल्लाह जो है हम लोग दो घंटे में पहुंच भी जाएंगे, और बाकी सारी बातें वहां पहुंच करके होंगी। बिल्कुल, क्योंकि सारी बातें वहीं पर जी, क्योंकि मैं जो है दूसरी बस में था, वहां से बस उतर के मैं खास करके दूल्हे के साथ में जो है वो हमारी पुप्पी जो है भीष्मा यादव बैठी हुई हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, इसकी वजह से हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, भीष्मा यादव जो है दूल्हे के साथ में है। बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हुई है। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, आगे मिलते हैं, फिर हम लोग अब मिलते हैं आगे पत्तनपुर में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में ऐसे ही। और नए दूल्हे साहब हैं, इनका नाम है कसीम साहब। कसीम साहब बहुत मज़ा आ रहा है, इनको शादी भी हो गई है, काफ़ी शादी की हो गई है, और देखिए कितने मजे से बैठे हैं गाड़ी में, और यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी छोड़ दिए हैं। जनाब शाहिद साहब, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पत्तनपुर, इनके भाई की शादी, मतलब हमारे भाई की शादी है। शाहिद साहब बताएं कि कैसा लग रहा है वहाँ पे जाके, और अभी हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, कहाँ क्रॉस, कितना क्रॉस। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि मालूम है आप लोगों को, हम लोग यहाँ से इलाहाबाद के खैरा गांव से जो है अपने सब लोग जो है मतलब बारात जा रहे हैं, अपने भाई की, मतलब हमारे भाई की मतलब बारात जा रही है पत्तनपुर आजमगढ़। तो अभी हम लोग लगभग बादशाहपुर क्रॉस हो गए हैं, और नियर मछली शहर के पास में है। काफ़ी इंजॉयमेंट बच्चों ने भी जो है मतलब काफ़ी इंजॉय किया है, और हम लोग जो है मतलब काफ़ी इंजॉय, बहुत अच्छा एटमोसफियर भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा मतलब एटमोसफियर है, जो कि हम लोगों को मतलब साथ दे रहा है। और बाकी मतलब बस जो ये हम लोगों ने जो है मतलब बसें की हैं, मतलब वो भी मतलब काफ़ी मतलब मेंटेन बस मिल गई है, और मौसम भी बहुत अच्छा है। जी हाँ जी हाँ, we'll be right back.
लोग पत्तनपुर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हैं अली अजहर नकवी। तो अली अजहर नकवी, आपने मतलब हम लोग इतना लंबा सफ़र करके हैं यहाँ तक, हम लोग सफ़र से बहुत ही बेहतरीन था और बहुत ही अच्छा सफ़र था। पूरे रास्ते एंजॉय करते हुए आया हूँ और यहाँ भी इंशाल्लाह एंजॉय करूँगा। थोड़ा बहुत एंजॉय यहाँ पे हो चुका है, अभी निकाह वगैरह नहीं हुआ है, निकाह बस होने ही वाला है, तो इंशाल्लाह बस एंजॉय यहाँ पर भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। और काफ़ी अच्छा लगा, रास्ता भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया पूरे रास्ते में। और बताता चलूँ कि ये जिनकी शादी है मिस्टर मेहंदी साहब की, ये मेरे भाई भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, दोनों ही हैं, दोस्त के साथ साथ मेरे भाई भी हैं ये। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा शादी में शिरकत करना और इंशाल्लाह आप भी आगे बहुत एंजॉय करने वाले हैं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको भी। वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा। ये देखिए हम बने हुए यहाँ पे, दूल्हे साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, और ये हमारे साथ मोहम्मद अब्बास साहब हैं जो कि ये भी जॉब करते हैं। और अब मोहम्मद अब्बास साहब, यहाँ पे आपके पत्तनपुर आके आपको कैसा लग रहा है, थोड़ी सी बताइए। काफ़ी अजीब लगा, मतलब पहली बार किसी गांव में जो तरीके से बारात आई और मतलब बिल्कुल डिफरेंट सा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और काफ़ी मतलब लंबा सफ़र था, दोपहर को निकले शाम को पहुँचे, और लेकिन रास्ते सफ़र में मज़ा है। हाँ काफ़ी अच्छा रहा सफ़र, यहाँ का रेजिमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि हमें सफ़र करना पसंद नहीं, बारात वारात में जाना मुझे बेसिकली नहीं पसंद है, लेकिन बट यहाँ अच्छा लगा। यहाँ का अरेंजमेंट ही माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, गांव के हिसाब से इंजॉय करने में। रास्ते में कई जगह हम लोग रुके भी, काफ़ी बातें की, काफ़ी एंजॉय किया साथ में, और यहाँ भी एंजॉय कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कसीम भी शादी की थी जी, अब हम लोग शबाब की शादी कर रहे हैं जी। जी ये शबाब भाई की शादी, शबाब भाई की शादी पीछे हो रही है और दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए उधर पीछे बैठे हुए हैं, सेहरे सेहरा बंधा हुआ है, अभी इनका निकाह बस होना बाकी है, उसके बाद भी हम शबाब भाई को भी कोशिश करेंगे लेके आने के लिए। ये देखिए हमारे साथ पीछे कुमैल साहब खड़े हैं, देखिए कितने स्मार्ट और मेंटेन। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल एकदम सेम लाइक लुक ऋतिक रोशन लग रहे हैं। बताइए कुमैल साहब, आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना है, बस ये था सफ़र की थोड़ा सरदर्दी हो गई थी, लंबा सफ़र था, बाकी तो मज़ा तो आया। बाकी देखिए सफ़र तो हो गया, अब माशाल्लाह इंतज़ाम बहुत अच्छा है, जैसे कि इतना सोचा नहीं था कि ये गांव के हिसाब से इतना अच्छा इंतज़ाम होगा। बिल्कुल बहुत सही। अब देखिए इंतज़ाम तो यहाँ अच्छा है, बाकी अब बस रस्में बची हैं, निकाह बचा है, वो हो जाए, खाना पीना देख लें कैसा होता है फिर, बाकी तो कुछ कहना नहीं। और तो ये कुमैल साहब हैं जो कि लखनऊ में रहते हैं और यहाँ पे पत्तनपुर में आए हैं शादी करने के लिए। प्यारे भाईजान हैं, हम सबके भाईजान हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है, हर जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं। अभी इन्होंने हाल ही में शादी की, कसीम की शादी की थी इन्होंने, तो भाईजान इस टाइम हम लोग जो हैं पत्तनपुर जी। आप तो ड्राइव करके आए, आप हम लोग के साथ थे भी नहीं गाड़ी में, हालांकि मैं भी आपके साथ था तो कार से मैं उतर गया,
कुछ लोगों की वीडियो बनाने के लिए। और आपको कुछ कहना है भाई जान, बताइए आपको पतनपुर आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है पतनपुर आके। लेकिन सबसे पहली बात, जिस गाड़ी में आपने हमको छोड़ा था वहाँ तो ड्राइवर हो नहीं, ड्राइवर तो आप ही थे, तो आप तो निकल लिए बस में करके, अकेले छोड़ के निकल लिए। महाराज की पूरी मज़ा आपने लिया, बस की पूरी मज़ा आपने लिया। हम अकेले जो है ड्राइव कर रहे हैं, शाजिल साहब भी निकल लिए, कह नहीं हम बस में जाएंगे। बहरहाल जाना लेकिन ज़रूरी था ना, अभी कैसे बनाते हैं इन लोग, कैसे इसके अंदर आती सबकी वीडियो, इसीलिए हमने आपको छोड़ दिया। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, माशाला से बहुत अच्छा इंतजाम किया है हमने, बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी अच्छा। अभी हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है, अब दूल्हे को तैयार किया जा रहा है। दूल्हे साहब देखिए पीछे बैठे हुए दिखाई दे रहा होगा आपको, पीछे बैठे हुए हैं वो। हाँ बिल्कुल, अकेले बेचारे बैठे हुए हैं साथ में आगे। तो ये थी हमारे भाईजान की कहानी, भाईजान की जुबानी। और इसी तरह के बाद फिर मिलेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि अली अजहर नकवी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं ये। अभी इससे पहले एक शादी की उन्होंने वीडियो बनाई है, अपना भाई का बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, ऐसी वीडियो हमने अभी तक नहीं देखी। बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया, वाकई आपको तहे दिल से शुक्रिया। जैसे जैसे जो जो मोमेंट आपने कैच किया है वाकई काबिल तारीफ है, वाकई आप बधाई के पात्र। थैंक यू सो मच। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, वीडियो की एंड तक। आलू और बहुत अच्छे आलू, आलू जो है जो कि डेली से आए हुए हैं। और आलू इस टाइम फतनपुर में, आपको कुछ कहना है आलू, बताइए आपको कुछ कहना है? पक्का कुछ कहना है आपको? क्या करना है? अरे कुछ भी कहिए, कुछ भी कहिए, यहाँ के बारे में बताइए, ठंडक है क्या है? ठंडक कम है, ठंडक कम है। और आपने माशाल्लाह स्वेटर भी अंदर डाले हैं, कोट भी डाले हुए हैं, कोट डाले हुए हैं। अच्छा, और पान भी खा रहे हैं बेहतरीन से, भी खा रहे हैं बिल्कुल सही है। तो फतनपुर आया आपको कितना टाइम हो गया, कब आए? चार दिन हुआ है। चार दिन आप दिल्ली से आए, ट्रेन से? 16 को चले जाएंगे, 16 को चले जाएंगे दिल्ली। अच्छा अच्छा, चलिए ये बताइए और कुछ बोलना चाहिए? फिर अप्रैल में लौटेंगे, अप्रैल में फिर 10 दिन रहेंगे फतनपुर। अच्छा, फिर चले जाएंगे गल्ला उल्ला रख के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब आना जाना आपका लगा रहता है? लगा रहे जी। ये हैं हमारे खालू जो कि इनका जो है फतनपुर से दिल्ली अप एंड डाउन लगा रहता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, आगे भी देखिए। देखिए बन रही है इस टाइम हम लोग हैं फतनपुर। क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे और आप इसी तरीके से अपनी ये खिदमात को अंजाम दीजिए। और जैसा कि हमने आपको बस में बताया था कि हम लोग फतनपुर जा रहे हैं जहाँ अंडों की खेती होती है, और इंशाअल्लाह कल विदाई के वक्त हर बराती को एक गोरी में अंडे भर के दिए जाएंगे। अच्छा, लेकिन शर्त ये है कि उसको संभाल के इलाहाबाद तक लेके चलना है। और यहाँ पे अंडे की खेती होती है? हाँ, अंडे की बिल्कुल एकदम नई बात है। हाँ नहीं, नई बात नहीं है, देखिए आधुनिक इनोवेशन जो है ये होना चाहिए ना। और ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है, तो यहाँ के लोगों को अंडे की ज़रूरत थी, तो इसके एक आविष्कार किया गया कि क्यों ना अंडे की खेती कराई जाए। मुर्गियाँ अंडे कम देती हैं, तो लिहाजा इसलिए कि यहाँ पर, और ये इनोवेशन, ये जो इनका इनोवेटिव प्रोग्राम था ये सक्सेसफुल हुआ इस गांव वालों का। अच्छा। जिनसे इनको राष्ट्रपति पुरस्कार, प्रधानमंत्री पुरस्कार, राज्यपाल की तरफ से पुरस्कार, मुख्यमंत्री अवार्ड सब मिल चुके हैं। क्या बात। और अंडों में भी एक खासियत ये है कि इसमें कलर भी है, कलर भी है जी। कौन कौन से? लाल पर से सफेद होते हैं और अंडर से इसमें जर्द रंग होता है। क्या बात, ये बड़ी खासियत है यहाँ के अंडे की। नई बात बताइए हम लोग क्या सुन रहे हैं, ये बातें आपको मालूम नहीं थी, ज्यादा हमने अपना फर्ज समझा कि इससे हम आपको रूबरू करवाएं। सही है, बिल्कुल सही है, बस शर्त ये है कि भाई वो अंडे संभल के जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संभल के जाएंगे। और अगर वो लोग इतिहास से देंगे तो आपको किसी चीज की और ज्यादा जानकारी की जरूरत हो तो हमारे बीच में जनाब सहकार साहब भी आए हुए हैं, जो नहायत उमदा किस्म के दलील इंसान है, और आप उनसे रब्ता कायम करिए और वो आपको पूरी बात बताएंगे। ये उधर ही कहीं बैठे हैं जिनका पेट सबसे ज्यादा मोटा हो,
बस वो समझ जाइए शहकार साहब है, हाथ सबके पेट पे रखते हुए चलिए, शायद बहुत पीछे बैठे हुए हैं वो शहकार। ये सब देखिए हमारे कुछ खड़े हुए हैं, कुछ पीछे सोनू साहब खड़े हैं। सोनू साहब बताइए पतनपुर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, वाह क्या बात है, क्या ऐसा नाम बजा गांव पतनपुर, बिल्कुल बहुत अच्छा। और अभी आप पास आ रहे हैं, सोनू साहब खड़े, शादी हो चुकी एकदम, देखिए एकदम मेंटेन बिल्कुल लग रहे हैं। ये देखिए समन साहब बिल्कुल भागे जा रहे हैं, बताइए ये देखिए हमारा भाग रहा है। ये देखिए फसील साहब है जौनपुर से आए हुए हैं, पतनपुर आए हुए हैं। और फसील साहब आपको आने में कितना टाइम लगा यहाँ पे? 4 घंटा लगा हमको आने में, बताइए कहाँ से आ रहे हैं? बहुत अच्छी रोड है, जौनपुर से आ रहे हैं, बताइए चल गए थे क्या? नहीं बस में चल रहे थे। अरे बस में चला ही नहीं रहा था सही से वो गाड़ी। अच्छा ये बात थी, ठीक सही है। तो ये देखिए क्या चेक करा रहे भाई, क्या चेक करा रहे हैं आप उधर? कहाँ भाई क्या चेक करा रहे हैं अभी नीचे? क्या चेक नहीं, वो देख, क्या? नहीं देख रहे थे क्या वो जूता खराब हो गया? जूता क्या नहीं खराब हो गया, वो दूसरा ड्राइवर नहीं मिला। अरे जूते का मोजा निकालो उसे पोछ दो, पॉलिश हो गया ये चीज है। तो पीछे देखिए पूरा नजारा है आपका, और बहुत अच्छी मतलब अरेंजमेंट बहुत अच्छा किए हैं आप। और आगे की ये बैठे ना, ये तो पाल पोस्ट के बड़ा जी बैठे हमारे शहकार भाई, शहकार साहब इधर बताइए, बताइए आप एकदम ऑनलाइन बताइए क्या खा रहे हैं? देखिए खा रहे हैं बिल्कुल बहुत ही हेल्थी चीज खा रहे हैं। चीज बताई थी अभी कि यहाँ जो अंडे की खेती होती है जी, उसके बारे में देखिए, ये देखिए ये भी एक किस्म का अंडा है, और अंडे आपको ऊपर से सफेद दिखेंगे अंदर से पीले। ये अंडा जो है अंदर से सफेद ऊपर से पीला, ये एक इनोवेशन किया था यहाँ गाँव वालों ने। अच्छा, और इनोवेटिव प्रोग्राम में ये जो है ये फसल जो है इसको यहाँ पे ली गई। ये बहुत बढ़िया क्रॉप है और यहाँ किसान इसे काफ़ी समृद्ध हुए और अच्छा पैसा उन्होंने कमाया, बिल्कुल आज भी माशाल्लाह कमा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात, अंडे की खेती कर रहे हैं। क्रिकेटर रह चुके हैं हमारे, महान क्रिकेटर थे, नहीं इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए, संन्यास ले चुके हैं जो है, ये जो है पहले क्या कहते हैं मोहम्मद कैफ के साथ क्रिकेट भी खेल चुके हैं, और इन्होंने जो है 30 गेंदों पे 36 छक्के मारे थे और 24 चौके मारे थे, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और अभी इनकी बुकिंग भी है, बुकिंग हुई है दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, और वहाँ का इनका टिकट निकल चुका है, कभी भी फ्लाइट से जा सकते हैं। बताइए आपको कुछ कहना है सजय साहब? जमन साहब यहाँ आइए, आपको कुछ कहना है? ये है मेरे जमन साहब, भांजे साहब बहुत ही अच्छे हैं, ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बताइए जमन साहब आप इस टाइम पतनपुर में, पतनपुर आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत जो कि आप बस में, जो कि आप बस में हम लोग साथ थे नहीं, आप आए हैं बाद में, क्योंकि आप जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उसी में आप बिजी थे, पेपर वगैरह एग्जाम वगैरह चल रहे हैं आपका? जी एग्जाम चलने वाला है, प्रैक्टिकल चल रहा है। तो आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं जमन साहब? देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है? तो इनका कहना बस यही था, और काफ़ी शर्मा रहे हैं, नहीं तो बहुत कुछ बोलते हैं।
या बताओ क्या रसूलुल्लाह अताबूल लेना तुम्हें मैं तुम तहत इसरा काले नारी का सलाम या बिंदी है या बाजी का दरिद्र लगे हुआ है तुम तहत इसरा सलाम सलाम कि हमें यकीन है कि वो कौसर
ये जो प्रश्न किए हजरत जहरा सलामुल्लाह कहीं उस कौसर की मौजें 1400 बरस के फासले तय करती हुई आज इस मंदिर में भी मौजूद, यानी सादात बनी में से एक लड़की और एक लड़के का आप हो रहा है, और ये यकीन है कि जनाबे फातिमा ने जगह करा निरायत इस मंदिर के ऊपर जरूर लेकिन औलाद का हो रहा है। ये एक बहुत ही पाकिजा मंदिर है जिसके अंदर हमें हमें बिल्कुल तस्वुरात ही पाकिजा होने चाहिए, भूले के पाकिजा तस्वुरात, दुल्हन के पाकिजा तस्वुरात, इस एतबार से हमें जो जिम्मेदारी दी जा रही है कि इस कौशल की मौत को आगे बढ़ाना है, इस कौशल की मौत को हमें आगे बढ़ाना है, लहरें आगे बढ़े और सुबह कयामत से मिल जाए। आज आप ये देखिए ये बहुत सी ऐसी नस्लें हैं, बहुत से ऐसे खानदान हैं कि जिनकी उम्र 100 साल है, 150 साल है, 200 साल है, 400 साल, इससे ज्यादा खानदान आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन ये कितना कर्म है उस खानदान का के जो जिसमें जिसकी पहली कड़ी का नाम है हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी कड़ी का नाम है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। ये खानदान इतना वसी और इतना बड़ा हो गया है कि दुनिया का कोई भी शहर ऐसा नहीं है कि जहां सादात बनी फातिमा मौजूद है, कोई भी शहर, यानी दुनिया छोटी होती जा रही है, नस्ल जहरा बढ़ती चली जा रही है। हमें मेरा एक तरह का प्राउड है, हमारे लिए एक खुशकिस्मती है कि हम ऐसे जश्न में शरीक होते हैं, दुआ करनी चाहिए कि इस सिलसिले नस्ल को खुदा बन जाए और परवान करा कर जाए और इस सिलसिला को कयामत तक बाकी रहे। اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم الف بينهما، ان دونوں میں عربی کی جگہ میں وہ الفت عطا فرما، کما علقت بین آدم و حوا، بلت آواز کامل ہے، اللهم الف بينهما کما علقت بین ابراہیم و سارا، اللهم الف بينهما كما علقت محمد المصطفى وخديجة الكبرى، اللهم ألف بينهما كما علقت بين فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أرجع بحق محمد وآل محمد اس پاکیزہ رشتے کو مبارک اور مسعود کرا دے اور اس سے پاکیزہ نسل کو جاری فرما کہ جو تیرے دین کی بھی محافظ ہوں، تیرے حسین کے حضادار ہوں اور تیرے حجت آخر کے جانبدار صلی اللہ علیہ وسلم۔
ये हैं मोहम्मद आबाद के, आपका नाम है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, ये हमारे भाई और दोस्त हैं मोहम्मद अहमद भाई। मोहम्मद अहमद भाई, आप जो है मोहम्मद आबाद से आए पतनपुर में शादी के लिए, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? वो भी शबाब की शादी है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था शबाब भाई की शादी के लिए, क्योंकि स्पेशली मैं इसके लिए छुट्टी ली है अपने ऑफिस से कि शबाब भाई की शादी अटेंड कर, और इत्तेफाक से छुट्टी उस बीच की मिल गई, तो उससे अच्छा मौका कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं बहुत बहुत। और आप हमारे व्यूअर्स और कुछ कहना है? आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम पहली बार आए हो, और इसलिए आप कुछ कहना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को? मैं यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, दुआओं में याद रखिए। और मोहम्मद भाई, आप आज क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो मैं इस टाइम प्रोड्यूसर हूँ स्टार स्पोर्ट्स चैनल में। क्या बात है, क्या बात। मैंने अभी रिसेंटली कबड्डी किया हुआ है, कबड्डी सीजन 7। अच्छा अच्छा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट है अपना आईपीएल की तैयारी करता हूँ। अच्छा अच्छा जी, ठीक। आप यासिर सलमान जी? ये है यासिर सलमान साहब, ये भी मोहम्मदाबाद से हैं, ये भी शबाब के रिलेटिव हैं, और शबाब के मामू के लड़के भी हैं, ये भी मामू के लड़के ही है शबाब के। तो यासिर साहब, आपका कुछ कहना है शबाब की शादी के बारे में, आपको कैसा लग रहा है बताइए? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके फोटो। हम दोनों जो है बहुत ही एक्साइटेड थे इसके लिए जो है। तो ये थे हमारे दोस्त एंड भाई लोग, और इसके साथ ही वीडियो भी आगे भी रहे। इनके बाद मिले हैं सैयद शहाद ताहिर नकवी साहब, जो कि इनसे मुलाकात जौनपुर में हुई थी, और कसीम के वलीमे में भी थे। तो ये है सैयद शहाद ताहिर नकवी साहब, जो कि आज हम लोग के साथ थे नहीं, ये फैज़ाबाद से गाड़ी से आए हुए हैं, और इनका कुछ ऑफिस वर्क भी था इसलिए चले गए थे, नहीं तो हम लोग साथ में आते ही। तो सैयद शहाद ताहिर नकवी लोग तो प्यार से शीज़ों कहते हैं। बताइए साहब, कैसा मतलब लग रहा है आपको यहाँ पर शबाब की शादी करना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कसीम की शादी में बहुत मज़ा आया था, इसमें बताया आप? इसमें भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, माशाल्लाह। एक भाई का और हम लोग के घर बस गया, हम लोग एक बारात और अटेंड करने को मिली। बिल्कुल। और परवरदिगार के उसका सब, उसका भी सब मुबारक रहे, जैसे हमारे दूसरे भाई कसीम का है। और बाकी बस यही है कि भाई की वीडियोज़ आप देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को, और जितना हो सके प्रमोट करें। वो होगा जब आप शेयर करेंगे, शेयर करते रहें बराबर। थैंक यू सो मच। पतनपुर में खड़े हैं आप, यहाँ की कुछ खास खास चीज़ बताइए, मतलब क्या है यहाँ पे खास? यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है बड़ी ख़ास हैं। बिल्कुल। ये आबो हवा यहाँ की, सरसब्ज व शादाब यहाँ पे हरियाली चारों तरफ दिखेगी, और ये अदब का जो है मरकज़ है, और हम लोग भी काशानी अदब कहरा से बारात लेकर यहाँ पर एक नौखेज दुल्हे को लेकर शरीफ है। नौखेज दुल्हे को लेके आए हैं यहाँ। नौखेज 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 दुल्हे, नौखेज दुल्हे को। नौखेज का मतलब क्या? नौखेज का मतलब कि एकदम
भूला भाला सीधा साधा अच्छा शबाब का पाबंद शबाब गोल मटोल अच्छा उसका शबाब जो है वो नाम ही शबाब है बिल्कुल वाकई गोल मटोल सा उसके बाद हमारे ये मुन्ना भाई है मुन्ना भाई है वो आपने वो फतनपुर की वो खासियत नहीं बताई जो अंडे की खेती होती है यहाँ पे अंडे की खेती होती है और उसमें बालदार रसगुल्ले की भी खेती होती है किसकी बालदार रसगुल्ले की अच्छा बालदार रसगुल्ले की खेती होती है और ये खेती जो है यहाँ पे जितने किसान वगैरह है ये यहाँ पर जो है मोदी से बहुत खुश है अच्छा क्या बात है काफी बीज दे रखा है अच्छा खेती करने के लिए अंडे की खेती बताइए आपने कभी सुना नहीं होगा यहाँ पे अंडे की खेती होती है बताइए क्या बात है बिल्कुल एकदम नई नई चीज अच्छा यहाँ पे नेचुरल क्या है वो बताइए यहाँ पे सारी चीजें जी नेचुरल घर पे रखी हैं कलर देखिए नेचुरल ये कलर देखिए ये एकदम नेचुरल है कुदरती है कभी नहीं छूटा गामर से मुकदमा जीत चुके हैं सही है सही तो ये थी वीडियो शाहकार भाई के मुन्ना भाई की बहुत अच्छा बोला आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया ठीक आगे तक वीडियो बने रहिए किसी के दलील इंसान का इंटरव्यू आपने लिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शबाब भाई और माशाल्लाह इनका जो है निकाह हो गया है और शबाब साहब आपको कैसा इनका नाम एक्चुअली मोहम्मद मेहंदी है और बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं आपका निकाह हो गया माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको शबाब भाई जी आपको भी मुबारक हो अस्सलाम वालेकुम सारे यूट्यूबर्स कितने लोग हैं और उन सबको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम और अब तो जिम्मेदारियाँ तो पड़ गई है और इस हिसाब से तो जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है अब इससे ज़्यादा तो नहीं तो ये थी शबाब साहब जो कि उन्होंने बताया बहुत अच्छी बात बताया तो इसी तरह बने रहिए मस्जिद दावते वलीमा शबाब का तो अभी तक तो हम लोग फतनपुर में थे शबाब की शादी की बेहतरीन शादी हुई वहाँ सब कुछ सारे अरेंजमेंट बहुत ही बेहतरीन थे तो आज है दावते वलीमा शबाब का और आगे की वीडियो भी दिखाएंगे आपको तक आप बने रहिए
हैं शबाब साहब जो कि हैं दूल्हे राजा और ये जो है फत्तनपुर से अपनी दुल्हन को लाए हैं। तो शबाब साहब आपकी शादी होगी, बहुत अच्छा लग रहा है और आपको कुछ कहना है बताइए, शादी करके आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है और वैसे भी मैं व्यूवर से पहले भी मैं मुलाकात कर चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बहुत ही बेहद ही अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, और सारे लोगों को अच्छा लगेगा जो लोग शादी कर रहे हैं। जी इनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, इनकी शादी भी होगी और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, आगे भी बने रहिएगा। फिर देखिए ये हमारे हैं अली हैदर नकवी साहब। हेलो। और ये भी एक यूट्यूब चैनल पे हैं और इनका भी यूट्यूब चैनल है अली हैदर नकवी के नाम से। अगर आप इनके चैनल पे जाएंगे और अली हैदर नकवी लिखेंगे तो वहाँ पे सारी वीडियो वहाँ पे आ जाएंगी, बहुत ही इंटरटेनमेंट चैनल है इनका। तो अली हैदर साहब, शबाब साहब भी खड़े हैं, इनकी शादी हो गई माशाल्लाह, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। आपको कुछ कहना है वहाँ पे कैसा लगा है? यहाँ पे जिस तरह मैंने वहाँ पे किया हुआ था, जैसे मैंने बताया था कि मेरे भाई के होने के साथ साथ मेरे दोस्त भी हैं, तो उसी तरह इन्जॉय इंशाल्लाह यहाँ पर भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी बिल्कुल बस वलीमा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, स्टार्ट होने जा रहा है तो इंशाल्लाह इन्जॉय जरूर करेंगे। ये ऊपर मत करो। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और जितने भी सब्सक्राइबर पुराने हैं कोई बात नहीं, अगर आप वीडियो शेयर कर रहे हैं तो उनके साथ साथ आप उनको ये भी कहेंगे कि आप चैनल को लाइक करने के साथ साथ और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, ताकि चैनल जितना प्रमोट होगा उतना ही अच्छा होगा। ये इनसे मिलिए, ये सैयद सवाद ताहिर नकवी साहब और शबाब की शादी हो चुकी है आज दावत वलीमा। और सैयद सवाद ताहिर नकवी साहब आपको कुछ कहना है बताइए। कुछ खास नहीं, दूल्हे का मिजाज मिल नहीं रहे हैं। जी दूल्हे साहब देखिए यहाँ पे खड़े हैं और ये देखिए लगता है कि असर जो है रात का धीरे धीरे सबका उतरा है। ये किस खेत की गाजर है? सही बात है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और आप लोग ऐसा करिएगा कि भाई के वलीमे को थोड़ा सा लाइक ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक तो समझ लीजिएगा। भाई ने बिल्कुल पॉइंट वाली बात की है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ शुरू से लेकर एंड तक, तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप एक छोटा सा कमेंट भी लिख दें कि हाँ कि मैंने जो है आपकी वीडियो देखी। और बाकी ये खड़े हैं सब पीछे देखिए आराम से इन्जॉय कर रहे हैं, और पीछे मोहम्मद साहब भी खड़े हुए हैं। मोहम्मद साहब थोड़ा आप इधर आएंगे? जी बताइए। ये देखिए हमारे मोहम्मद साहब जो कि मोहम्मदाबाद के हैं, ये हैं इनके मामू के लड़के और इन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय किया। करंट पोजीशन है इनकी पीयर टू शबाब, पीयर टू करंट पोजीशन भी बताओ ना। जाहिर सी बात है छोटा भाई तो ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपके भी भाई होंगे, आप बड़े भाई। करंट 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 सिनेरियो ये भी है कि इनके लग गई जाके। अच्छा बहुत बहुत क्या लग गई? बस ऑल द वेरी बेस्ट शबाब भाई फॉर हिज मैरिड लाइफ, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अच्छे से कीजिए सब कुछ, सब कुछ मैनेज कीजिए, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। चले भाई आप लोग, चले ठीक है, आगे की वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। कबाब के वलीमे के कबाब हम जरूर खाएंगे। और हाँ बताइए। चलिए फिर ठीक है, फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। और अब एक नई वीडियो कब आएगी जब किसी भाई की शादी होगी? अभी हमारे एक भाई स्पेशल भाई की शादी होने वाली है, उनका नाम है शुमैल, जो कि वो शिप पे हैं और शादी उनकी इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगी। और ये हैं हमारे भाईजान साहब, आइए भाईजान साहब। सबसे बड़े ये हमारे हैं भाईजान, बहुत ही हम सब के चहेते भाईजान हैं और इन्होंने आपको सलाम जरूर दीजिएगा भाई भी था। और आज जो है शबाब की शादी कर रहे हैं, आज शबाब का वलीमा है, आपकी शादी तो हो चुकी है, दावत वलीमा है। तो भाईजान कुछ कहना चाहेंगे आप शबाब की जो है बारात करके आ गए आप और आज दावत वलीमा? दावत वलीमा शुरू हो गया है, खाना वगैरह उसी के इंतजाम में लगे हुए हैं हम लोग। जी सही। और चौथियारे भी आने वाले हैं, अभी फोन पे बात हुई है। अच्छा अच्छा। तकरीबन 15-20 मिनट में वो लोग आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। चौथियारे लोग बीच रास्ते में हैं जी, और अभी आने वाले भाईजान का कहना है। जी तो ठीक है भाईजान, आप हमारे व्यूवर से कुछ कहना चाहेंगे? बस व्यूवर साहब तो यही कहेंगे कि भाई साहब का चैनल देखते रहिए और लाइक करिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल शेयर करिए, शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। एक बार देखेंगे और बार बार देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, यादगार मेमोरी की तरह वीडियो बन रही है जो कि हमेशा लाइव ना कोई चैनल है। थैंक यू। चैनल को आप लोग देखिए, फिर आपको खुद पता चलेगा कि उन्होंने कैसी वीडियो बनाई। हालांकि शादी वगैरह में जो वीडियो बनती है वो कैसेटें और सीडी जो भी होती है वो ज़्यादा रहती नहीं, मुश्किल से रहेंगे 2 साल। ये है यूट्यूब चैनल, इस पर आप लाइफ टाइम के लिए हमेशा बने रह सकते। जी जी बेशक। तो आगे की वीडियो के लिए बने रहिएगा इसी तरह से, फिर मिलते हैं।
शबाब की शादी। समर भाई आपको कुछ कहना है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आकर के यहाँ पे। शबाब जो हमारे कज़िन हैं और बहुत एक्साइटेड। शबाब की बारात में आप थे? मैं मॉर्निंग में आया। तो रीज़न क्या था शबाब की बारात में आप क्यों नहीं थे? शबाब भी नाराज़ हैं आपसे? नहीं, शबाब हैं बट अब कन्विंस हो चुके हैं वो, हेक्टिक स्केट था उसकी वजह से नहीं आ सका था, लेकिन आने के बाद मुझे लगता है कि शबाब के सारे शिकवे जिले जिले सब दूर हो चुके हैं। अभी शबाब को आप देख सकते हैं, शबाब का जो फेस एक्सप्रेशन है इस वक्त। आप ये बेटे शबाब साहब ही बैठे हैं हमारे पास। जी जी, खुश हैं अमर भाई की बातें सुन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, कन्वेंस हो चुके हैं उन्हें लगता है। अमर भाई, इससे पहले हमने कसीम की शादी की वीडियो बनाई थी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, लेकिन ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और देख कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, आपकी बहुत अच्छी अप्रोच है और मैं आपकी जो लास्ट वीडियो थी वो ज़रूर देखूँगा और शेयर भाई करना चाहिए। तो ये थे हमारे समर भाई, इसी तरह बने रहिए आगे वीडियो के साथ। ये रशी भाई जो कि डेली से आए हैं शबाब की शादी में। रशी भाई आपको कुछ कहना है? शबाब की शादी में आके कैसा लग रहा है आपको? और जो कि आप शबाब की बारात में भी नहीं थे, तो शबाब इस चीज़ से नाराज़ है, तो आप शबाब की थोड़ी नाराज़गी दूर करिए और कुछ बताइए। नहीं, शबाब को पता है हम मसला, छुट्टी तो मिली नहीं हमें, इसलिए थोड़ा सा लेट तो हो ही गया आने में। तो ये थे हमारे रशी भाई। ये है हमारे निशान भाई और ये भी हैं इनके निशाले साहब। निशाले साहब हैं। और निशान भी कुछ कहना है आपको? क्या कहना है, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? आप कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा भाई, 2 साल 10 साल बोलते ना जिंदगी बढ़ जाती है, ऐसा मतलब रहने के टाइम पे इंसान फोटो में सेल्फी आप बताइए आपका नाम क्या है? नीलेश। रिलेश है, ये भी पतनपुर से है, मराठी बोलते हैं। महाराष्ट्र मुंबई से। महाराष्ट्र मुंबई से है, तो आप कुछ बताइए यहाँ कह रहे हैं बारे में मराठी में बताइए। इधरचा ॲटमॉस्फिअर खूप चांगला आहे आणि इथले जे लोकं आहेत ते खूप छान आहे आणि मनमिळावं आहे, त्याच्यामुळे मला यूपी हा मला 10 वर्षापासून खूप आवडतं। जे ऐकलं होतं त्या संदर्भात नाही आहे तसं काही, आणि इकडची जी काय बोलतात त्याला मेहमान नवाजी ज्याला बोलतात, ती खूप छान आणि सुंदर आहे, अप्रतिम। तो ये साहब ये मराठी में इन्होंने जो बोल दिया है, अब क्या बोला है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बोला है बहुत अच्छा बोला है, और जो कि कोई मुंबई के व्यूवर्स होंगे वो जरूर समझ जाएंगे, हालांकि बोला है तो बहुत अच्छा बोला है। ये देखिए हम जा रहे हैं और फैजी भाई के मामू साहब हैं, ये देखिए बैठे हुए हैं, ये भी फतनपुर से आए हुए हैं। ये फैजी साहब के मामू साहब फतनपुर से आए हुए हैं, आपको कुछ कहना है? शबाब की शादी में कैसा लग रहा है बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है जी, और मैं भी बॉम्बे से ही आया हूँ। ठीक है, माशाल्लाह। शबाब की शादी में बहुत ज़्यादा बिजी थे और बारात में भी हम इनसे मुलाकात नहीं कर पाए, और आज ही आए हुए हैं, आज आए हुए हैं चौथियार की तरफ से। नहीं नहीं, मैं चौथियार कम वलीमे में आया। अच्छा, कम वलीमे में आए, साले के वलीमे में आया। लेकिन आए हैं तो वैसे ही हैं। बताइए जीजू साहब, आपने इतनी मेहनत की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई शबाब की शादी की, और पत्तनपुर में काफ़ी बेहतरीन अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा लगा हम लोग को वहाँ पर जाके। हमें क्या, सबको अच्छा लगा,
तो आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को या फिर? सबसे पहले तो मैं तमामी हाजरीन और नाजरीन को सलामत करता हूँ। बात सलाम की कहना यह है कि मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोग शबाब की बारात लेकर आए फत्तनपुर कहरा इलाहाबाद से चलकर बिल्कुल फूलपुर बादशाहपुर मछली शहर जौनपुर को क्रॉस करते हुए बिल्कुल एंजॉय आजमगढ़ में जो है एंजॉय करते हुए पहुंचे और जौनपुर और आजमगढ़ की सरहद यानी लकी ढाबे पे आप लोगों ने उतर के चाय पानी किया और वहां पे आप लोग फारिग हुए अपनी ज़रूरियात से। उसके बाद फिर वहां से आप लोगों ने दूसरी किस्त को उठा के वहां से चले आप और बड़े ही वक्त से और बिल्कुल टाइम से आप लोग फत्तनपुर तशरीफ़ लाए। बहुत अच्छा मुझे लगा कि आप लोग वक्त की पाबंदी को आप लोगों ने दोनों शादियों में मलहूज़े खातिर रखा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। पंक्चुअल है बिल्कुल, बहुत बहुत इसको देखते हुए ऐसे ही लगता है कि आप लोग हर काम में पंक्चुअल हैं और होना भी चाहिए। बारात का मकसद ये होता है कि बारात जो है वो कम से कम 6-7 बजे पहुंच जाए ताकि बारात का शादी का पूरा लुत्फ बाराती उठा सके। बाकायदा नाश्ता करें, उसके बाद स्टार्टर है, फिर वो निकाह है, फिर खाना है, सब वक्त से हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ही आप लोगों के माशाल्लाह फत्तनपुर में मैंने इंतजाम भी बहुत अच्छे करवा दिए थे आप लोगों के आराम करने के लिए। मैंने लिहाफ कर दिया किया, बहरहाल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आराम तो नहीं किया क्योंकि रुख्सती भी जो है वो पहले पहले होनी थी और आप लोग जो है वहाँ से माशाल्लाह जो है 2 बजे उठ गए और 4 बजे वहाँ से फिर आप लोग रवाना हो गए वापस इलाहाबाद के लिए। और आप लोग इलाहाबाद आए, आने के बाद उस दिन आप लोगों ने आराम किया, रास्ते में नाश्ता वाश्ता किया और आगे आप लोगों ने घर पे आराम किया और दिन भर सोए क्योंकि दूसरे दिन वलीमा था। आप लोगों ने फिर उठ के रात में शाम से भी तैयारी की और दूसरे दिन आप लोग वलीमे में लग गए। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने टेंट लगाया, सारी कनातें बहुत अच्छी लगी, खाना बहुत अच्छा पकवाया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने चौथी जो लेने आए हैं उन लोगों का बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल आप लोगों ने किया और हमारे साथ जितने भी लोग आए हैं जैसे शबाब साहब के साले आए और उनके मम्मिया ससुर आए और सारे लोग आए और उन लोगों ने बहुत खुशी महसूस की और आने के बाद लोगों ने बहुत अच्छा नाश्ता किया। उसके बाद फिर टहल वहल के फिर खाना सभी ने एक साथ खाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की क्योंकि मुझे भी अब वक्त नहीं है, बहुत ही मैंने वक्त दिया दोनों शादियों में। अब कल से अपनी ड्यूटी मुझे ज्वाइन करनी है और इंशाल्लाह फिर आइंदा दूसरी शादियों में इंशाल्लाह भी हमारी सालियां हैं, साले हैं और 1 फरवरी में शादी होने वाली है और एक और है उधर, फिर वो तारीखें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से हम लोग आइंदा भी इंजॉय करते रहेंगे, शादी का उठाते रहेंगे। ये जो वीडियो बना रहे हैं हमारे साले जनाब अली अजहर नकवी साहब जो इस चैनल को चलाते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इनके चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल जी। और इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं अली अजहर साहब का और तमामी लोगों का। ठीक ठीक शुक्रिया। तो ये थी आज की वीडियो, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं लेकिन इससे पहले हम एक बात बोलना चाहेंगे, आप प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें पता लगे कि आपने ये वीडियो देखी। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, आपका दोस्त अली अजहर नकवी, खुदा हाफिज़।